वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे स्टाम्प के संबंध में। दोस्तों, विद्यार्थी लाइफ से लेके आम जीवन के हर एक लाइफ तक आज आप देखे होंगे या जानते होंगे कि जब कभी किसी भी शपथ पत्र या लैंड रजिस्ट्रेशन या फिर किसी भी रजिस्ट्रेशन से संबंधित आपको ज़रूरत पड़ती है उसमें स्टाम्प की भूमिका अहम होती है। दोस्तों, स्टाम्प जो है दो तरह का होता है, एक जुडिशियरी स्टाम्प, एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प। मैं दोनों चीज़ के बारे में आपको अगर बताऊं तो जुडिशियल स्टाम्प का उपयोग कोर्ट कचहरी में जब केस फाइल होता है या फिर कोर्ट को फी देना होता है तो उसको जुडिशियरी स्टाम्प के रूप में जो है पेमेंट किया जाता है। और ये जो है ये सारा है नॉन जुडिशरी स्टाम्प। ठीक, अगर मैं इसकी वैलिडिटी की बात करूं, वैलिडिटी का सेंस मेरा ये है, आज आपने एक स्टाम्प ख़रीदा और उसका जिस पर्पज़ से आपने ख़रीदा उसका उपयोग नहीं हो पाया, तो इनको कब तक आप यूज़ में ला सकते हैं या फिर कब तक इनकी अस्तित्व बनी रहेगी, तो मैं आपको बताऊं कि स्टाम्प एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है इसकी वैलिडिटी कहाँ तक होगी। मतलब हुआ कि जब तक इस कानून से संबंधित कोई भी अमेंडमेंट संशोधन आ नहीं जाता है तब तक ये ज्यों का त्यों बना रहेगा, इनका अस्तित्व भी बरकरार रहेगा। यानी जब कभी आपको ज़रूरत हो तो निश्चित रूप से इसको आप यूज में ला सकते हैं। कभी कभी आपके जीवन में ऐसा भी होता है कि लैंड रजिस्ट्रेशन हो या फिर कोई बिग प्रोजेक्ट आप डील करते हैं उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है 10,000, 20,000, 25,000, 500,000 रुपया का आप क्या किए, स्टाम्प खरीद लिए। कोई ना कोई दुर्घटना घट गई, घटना घट गई या फिर दुर्भाग्यवश आप वो काम नहीं किए, आप उस काम करने के लिए अब सोचे भी नहीं हैं, तो क्या आपके स्टाम्प में जो रुपया फंसा है वो बर्बाद हो जाएगा? नहीं, वो रुपया वापस होगा, लेकिन उसकी भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अगर आप उसको जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर रिटर्न करते हैं तो उसका 10% आपसे काट लिया जाएगा और बाकी 90% आपको वापस कर दिया जाएगा। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं कि अगर 100 रुपया का स्टाम्प है तो 10 रुपया आपका कट जाएगा, 90 रुपया आपको रिटर्न हो जाएगी। अगर 1,000 का स्टाम्प है तो 100 रुपया कट जाएगा, 900 रुपया आपको रिटर्न हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बारे में बहुतों को जानकारी नहीं होती है और जानकारी होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर मैं एग्रीमेंट की बात करूं तो स्टाम्प की भूमिका सबसे ज़्यादा एग्रीमेंट में होती है। लैंड रजिस्ट्रेशन तो हुआ ही, एग्रीमेंट बनाने में भी इसका काम होता है, पंचनामा बनाने में भी होता है, ठीक है, इकरारनामा बनाने में भी होता है। तो इनकी भूमिका सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है और इनका अस्तित्व भी है पर्याप्त मात्रा में। हम किसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि स्टाम्प पर बना हुआ इकरारनामा या पंचनामा की कितनी महत्ता है, क्या ये कोर्ट में एविडेंस के रूप में काम करता है। आए दिन आप देखे होंगे कि लड़का और लड़की दोनों मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के बदले क्या करता है, उसी पे जो है विवाह निबंधन पत्र या एग्रीमेंट बनवा के उसी को शपथ पत्र करके नोटरी पब्लिक से ओके करके समझते हैं कि मेरी शादी हो गई और ये लीगली वैलिड है। तो हम इसके संबंध में भी आगे जानेंगे। धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहें, ठीक है, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर।